बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं बेटे आप लोग? होप सो आप लोग सब ठीक होंगे। आई एम सिकरा जावेद, यूर ए मैक्रो इकोनॉमिक्स टीचर एंड आई एम टीचिंग यू प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। टुडे आवर न्यू चैप्टर इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, चैप्टर नंबर 20 एट द पेज नंबर ऑफ योर बुक 423। बेटे इस चैप्टर से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये बता दूँ कि देखें, जैसा कि ये होता है कि आपकी कंट्री में कोई भी अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी लेते हैं तो हमारी फ्लक्चुएट होती हैं साल बा साल। बहुत सारे सालों में हमारी प्रोडक्शन जो होती है वो गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इंक्रीज हो रही होती हैं। हमारे मुल्क में हालात बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, हमारी लेबर फोर्स इंक्रीज़ कर रही होती है, हमारा कैपिटल स्टॉक जो है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है, हम टेक्नोलॉजी नई नई नॉलेज जो है टेक्नोलॉजिकल नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए अपने कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। एंड हमारा मतलब ये समझ लें कि हमारी प्रोडक्शन जो है मोर एंड मोर हो रही होती है ओवर टाइम, हमारी ग्रोथ जो होती है वो इंक्रीज़ कर रही होती है, हमारा हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, ठीक। यानी आप हम ये कह सकते हैं कि कुछ साल हमारी इकॉनमी में वो बहुत अच्छे गुजरते हैं जिसमें हमारी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी जाती है। देन क्या होता है, सम ईयर्स हमारा एक्सपीरियंस कंट्रैक्शन की तरफ जाता है। कंट्रैक्शन क्या होती है कि आपके मुल्क में जो है वो आपका रियल इनकम में आपका जो है वो डिक्लाइनिंग होना शुरू हो जाती है। उससे क्या होता है कि बेटे आपकी गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो अनएबल टू सोल होंगी, वो बेची नहीं जाएंगी, और जो प्रोडक्शन करने वाले होंगे वो अपना कट बैक कर देंगे, अपनी प्रोडक्शन को कम कर देंगे, वर्कर जो हैं वो लेड ऑफ हो जाएंगे, मीन्स उनको जॉब्स नहीं मिलेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, आपकी फैक्ट्रीज जो हैं वो बिल्कुल फारिग हो जाएंगी। उससे क्या होगा कि आपके मुल्क में जो जीडीपी रियल जीडीपी है वो आपकी इनकम को क्या करना शुरू कर देगा, कम करना शुरू, जिससे आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने से आपके मुल्क में जो है वो इनकम कम होती चली जाएगी, तो आपके मुल्क में रिसेशन का जो दौर आना शुरू हो जाएगा। इसी चैप्टर में हमने जब ये रिसेशन के बारे में हम बात करेंगे, देन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कुछ मॉडल जो हैं वो यूज़ करेंगे, उन मॉडल्स को एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो शॉर्ट टर्म में अगर उसको वो देखेंगे। इस चैप्टर में हमने उन मॉडल्स को देखना है कि किस तरह से एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के ज़रिए जो है वो हम पॉलिसीज़ देखते हैं किस तरह से। और सबसे अब इसमें जो सबसे पहले आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी फ्लक्चुएट्स होती हैं फ्राम ईयर टू ईयर। इन मोस्ट ईयर्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपकी राइजेज, वही चीज़ जो मैंने आपको भी बताई, ऑन एवरेज हम ये बात करेंगे कि 50 ईयर्स प्रोडक्शन जो है वो US की उसने बात की कि 3% पर ईयर है। तो इन सम ईयर्स नॉर्मल ग्रोथ डज नॉट अकर कॉजिंग रिसेशन, रिसेशन कॉज करेंगे। रिसेशन क्या होता है हमारे पास कि रिसेशन हमारे पास कौन सा पीरियड होता है जिसमें हमारा रियल इनकम जो है वो डिक्लाइनिंग करी होती है और अनएम्प्लॉयमेंट हमारी इंक्रीज़ करी होती है, वही जो बात मैंने अभी आपको बताई। डिप्रेशन क्या होगा हमारा, जिसमें इसी को हम जब रिसेशन हमारा जो जब ये डिक्लाइनिंग पीरियड चल रहा होता है, जब वो एक बॉटम पीरियड पे आ जाता है तो हम उसे डिप्रेशन कहते हैं। देन उसके बाद बेटे इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस आर रेगुलर एंड अनप्रडिक्टेबल होती हैं, फ्लक्चुएशंस इन द इकॉनमी ऑफन कॉल्ड द बिजनेस साइकिल। अच्छा, अभी जो एक टर्म यहाँ पे बिजनेस साइकिल की आ रही है कि जितने भी इकॉनमी में आपकी फ्लक्चुएशंस होंगी, अप्स एंड डाउन्स हैं, कभी जो मैंने अभी आपको सारा बताया कि आपकी इकॉनमी में कंडीशंस अच्छी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, एम्प्लॉयमेंट है, हर चीज़ इनकम आपकी इंक्रीज़ कर रही है, तो वह आपके अच्छे हालात हैं, आप बूम में हैं, आपके बिजनेस साइकिल का एक कंडीशन है। अगर आप रिसेशन की तरफ आ जाए देन डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो आपके पास ये फ्लक्चुएशन जो हैं वो हमारी बिजनेस साइकिल कहलाती हैं। और मोस्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स फ्लक्चुएट टुगेदर एज आउटपुट फॉल्स अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस। देन आपकी ये एक डायग्राम है बेटे शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस में, आप एक्स एक्सिस पर उसने ईयर्स लिए हुए हैं, वाई एक्सिस पर उसने ईयर मतलब आप ये समझ लें कि बिलियंस ऑफ आपका रियल जीडीपी के बारे में उसने बात की हुई है। जो ब्लू लाइन है वो आपका रियल जीडीपी को शो कर रही है, जो आपके बीच में शॉकिंग पिंक से जो पिंक से लाइंस हैं वो लाइंस बेटे वो आपका रिसेशन को शो कर रही हैं। मीन्स रिसेशन में ये देखें कि इस पॉइंट के ऊपर आप जब जब जो हैं जब ये लाइन आएगी, इसका मतलब है कि आपका रियल जीडीपी जो है वो कम हो रहा है, रिसेशन हो रही है। बस जस्ट इस डायग्राम में आपने ये देखना है।
मोस्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल फ्लक्चुएशन टुगेदर मोस्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल दैट मेजर सम टाइप ऑफ इनकम और प्रोडक्शन फ्लक्चुएट क्लोजली टुगेदर। मीन्स आप बस यही देख लें कि हमारे जितने भी फ्लक्चुएशन होती हैं वो एक साथ होती हैं। अभी मैंने जो आपको पिछले डायग्राम में रियल जीडीपी का बताया, उससे नेक्स्ट डायग्राम में बेटे इन्वेस्टमेंट आपकी स्पेंडिंग है। इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे देखें, आपका रिसेशन का दौर आता है, रिसेशन के दौर में बेटे आपका रियल जीडीपी डिक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह रिसेशन, ये जो आपके ये जो वर्टिकली मैंने लाइंस हैं आपकी डायग्राम्स में, ये आपके रिसेशन को शो कर रहे हैं। ये इन इन ईयर्स में इस टाइम पीरियड में आपका जो इन्वेस्टमेंट भी है वो भी क्या हो रही है, वो डिक्रीज़ हो रही है। और ये जो पीरियड है ये आपका क्या कहलाता है, रिसेशन का पीरियड कहलाता है। देन उसके बाद बेटे आ जाता है हमारे पास के एन आउटपुट फॉल्स और अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस। यानी पहले हमने एक डायग्राम में एक्सप्लेन किया, हमने रियल जीडीपी के बारे में बात की, सेकंड डायग्राम में हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की, थर्ड डायग्राम में बेटे हमने जो है थर्ड डायग्राम में हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में बात करनी है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी, यानी देखें जब आपका रियल जीडीपी और इन्वेस्टमेंट आपकी डिक्रीज़ कर रही थी तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट उन्हीं ईयर्स में आपका जो है, आप अपनी बुक पे बेटे, ये तो अलग अलग डायग्राम्स हैं, आप अपनी बुक पे पेज नंबर 425 पे देखिएगा। इसमें आपको सेम ईयर में एज इट इज़ आपको जो है वो आपको शो किया जा रहा है कि जब जब आपका जो है वो रियल जीडीपी डिक्रीज़ होता है, रिसेशन में होता है, और इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग आपकी रिसेशन में डिक्रीज़ हो रही होती हैं, तो वहाँ पे आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका क्या हो रहा होता है, इंक्रीज़ कर रहा। तो यहाँ देखें ये इंक्रीज़ हो रहा है, ये आपके रिसेशन का टाइम है, ठीक है। देन बेटे नेक्स्ट आ जाता है हाउ द शॉर्ट रन डिफर फ्रॉम द लॉन्ग रन। मोस्ट इकोनॉमिस्ट बिलीव डैट क्लासिकल थेरी डिस्क्राइब द वर्ल्ड इन द लॉन्ग रन बट नॉट इन द शॉर्ट रन। क्लासिकल थेरी इकोनॉमिस्ट सोचते हैं कि वो लॉन्ग रन में बताती, शॉर्ट रन में नहीं बताती। आके चेंज इन द मनी सप्लाई इफेक्ट नॉमिनल वेरिएबल। अब देखिए मनी सप्लाई में हमने ये पहले चीज़ पढ़ी थी कि मनी सप्लाई में चेंज आने से आपके नॉमिनल वेरिएबल्स को वो अफेक्ट करता है, रियल वेरिएबल्स को लॉन्ग रन में अफेक्ट नहीं करता। ये वही बात हमने पहले पढ़ी हुई थी। द अजम्पशंस ऑफ द मॉनेटरी न्यूट्रलिटी इज नॉट अप्रोप्रिएट व्हेन स्टडिंग ईयर टू ईयर चेंज इन द इकॉनमी। ये भी वही पॉइंट है जो हमने लास्ट चैप्टर प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े थे। अब हमारे पास आता है टू वेरिएबल्स आर यूज टू डेवलप अ मॉडल। हमने जो है शॉर्ट रन फ्लक्चुएशंस में हमने जो है वो मॉडल पढ़ना है कौन से वेरिएबल्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं। द इकोनॉमीज आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेजर्ड बाय रियल जीडीपी, ये चीज़ आप जहन में रखिएगा। द ओवरऑल प्राइस लेवल मेजर्ड बाय द सीपीआई और द जीडीपी डिफ्लेटर, ये दो चीज़ें हमारे जहन में होनी चाहिए कि इकॉनमी का आउटपुट जो है गुड्स एंड सर्विसेज का रियल जीडीपी से मेजर होगा, और ओवरऑल प्राइस लेवल जो है वो सीपीआई या जीडीपी डिफ्लेटर से हम फाइंड आउट करेंगे, क्लियर। बेसिक मॉडल हमारे पास एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई का आएगा, जिसमें बेटे हम सबसे पहले देखेंगे कि मॉडल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई टू एक्सप्लेन शॉर्ट रन फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी अराउंड इट्स लॉन्ग रन ट्रेंड। सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड कब हमारे पास क्या होता है कि शोज अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डेट हाउस होल्ड फर्म्स एंड द गवर्नमेंट वांट्स टू बाय एट ईच प्राइस लेवल। आपका एग्रीगेट डिमांड कब क्या है, जो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज, आपकी हाउस होल्ड फर्म्स और जो गवर्नमेंट है वो आपका जो गिवन प्राइस है, जो ईच प्राइस है उसके ऊपर, जो भी उनकी हाउस होल्ड की फर्म्स की गवर्नमेंट की गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी है। और एग्रीगेट सप्लाई कब के शोज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डेट फर्म चूज टू प्रोड्यूस। सप्लाई साइड जो है, सप्लाई कब हमारा सप्लायर साइड पे होगा कि वो उन्होंने चूज़ करना है कि प्रोड्यूस करना है ईच, ये सेल करना है, सोल्ड करना है उन्होंने एट ईच प्राइस पर। डिमांड क्या होगी, जो कि हाउस होल्ड फार्म्स जो गवर्नमेंट जो हैं वो बाय कर रहे हैं, और सप्लाई कब क्या होगा, जो वो सेल कर रहे हैं। यही डायग्राम में आपको पता है क्वान्टिटी ऑफ आउटपुट प्राइस लेवल, जो हमें पता है पॉजिटिव स्लोप आपकी एग्रीगेट सप्लाई है, नेगेटिव स्लोप आपकी एग्रीगेट डिमांड है। यहाँ पहले हम इसे डिमांड कहते थे सप्लाई, अब हम इसे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कहेंगे, क्लियर। यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम आउटपुट और आपका इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई। नेक्स्ट उसके बाद आता है बेटे फोर कंपोनेंट्स हैं एज इट इज़, हमने पहले पढ़ा हुआ जी डी पी के, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। एन एक्स आपका क्या, नेट एक्सपोर्ट्स हैं, सी आपकी कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स और एन एक्स है, ठीक है। देन बेटे ये डायग्राम आपको जाहिर है, हमने ये देखें पहले किया हुआ एग्रीगेट डिमांड में। सबसे पहले देखें प्राइस आपकी
अगर P1 है तो आपकी जो इनकम है, जो क्वांटिटी है वो, और जो प्रोड्यूस हो रही है वो Y1 है, ठीक है। जैसे ही प्राइस डिक्रीज करती है देन हमारी जो आउटपुट है वो इंक्रीज करते हुए Y1 से Y2 की तरफ चली जाती है। तो ये जो कर्व्स को हम मिलाएंगे एग्रीगेट डिमांड का कर्व बन जाएगा। तो नेगेटिव स्लोप हमारी एग्रीगेट डिमांड का कर्व बनेगा। तो द फोर कंपोनेंट्स हमारे एग्रीगेट डिमांड का भी हमारी ड्राइव हो जाती है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा एज इट इज़ वही बात बेटे, जैसे ही हमारी जो है प्राइस डिक्रीज होती है हमारी डिमांड इंक्रीज होती है। शॉर्ट रन में हमने यही बात करनी है कि जब भी किसी चीज़ की प्राइस डिक्रीज होती है तो हमारी उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। वाई द एग्रीगेट डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, तीन चीज़ें हमने पढ़नी है, द प्राइस लेवल एंड कंजम्पशन, इसको हम बोलते हैं द वेल्थ इफेक्ट, द प्राइस लेवल एंड द इन्वेस्टमेंट, इसको हम बोलते हैं द इंटरेस्ट इफेक्ट, ये ध्यान रखिएगा। थर्ड है द प्राइस एंड द नेट एक्सपोर्ट, पहले कंजम्पशन, कंजम्पशन प्राइस लेवल के साथ कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट। कंजम्पशन आपका वेल्थ इफेक्ट कहलाता है, इन्वेस्टमेंट आपका इंटरेस्ट रेट इफेक्ट, और नेट एक्सपोर्ट आपका एक्सचेंज रेट इफेक्ट कहलाता है। ये तीनों इफेक्ट की वजह से हमारा जो है वो डिमांड कर्व क्या है, नेगेटिव स्लोप होता है। प्राइस लेवल एंड द कंजम्पशन, द वेल्थ इफेक्ट क्या होता है, डिक्रीज इन द प्राइस लेवल मेक्स कंज्यूमर फील मोर वेल्थी, ठीक है। प्राइस कम हुई तो कंज्यूमर्स क्या होगा, उन्हें महसूस होगा जी हम बहुत ज़्यादा वेल्थी हो गए हैं, हमारे पास पैसे बहुत आ गए हैं, विच इन टर्न इनकरेज देम टू स्पेंड मोर, जो उनको ज़्यादा करने के डिमांड, इससे क्या हो जाएगी हमारी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। प्राइस लेवल एंड द इन्वेस्टमेंट में क्या होगा कि जी अ लोअर प्राइस लेवल रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट विच इनकरेज ग्रेटर स्पेंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट गुड्स। अब क्या होगा, प्राइस जैसे ही कम हुई आपका इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट कम होने से आप इनकरेज करेंगे स्पेंडिंग को और इन्वेस्टमेंट आपके कि हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, यानी उसकी डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने का ऑटोमेटिकली मतलब यह है कि आप उनकी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड क्या कर रहे हैं, ज़्यादा करें, तो उससे आपकी बेटे डिमांड का कर्व क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्लोप हो जाएगा। थर्ड आपका आता है प्राइस लेवल एंड द नेट एक्सपोर्ट्स, द एक्सचेंज रेट इफेक्ट, व्हेन अ फॉल इन द US प्राइस लेवल कॉजेज US इंटरेस्ट रेट टू फॉल, द रियल एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट विच स्टिमुलेट US नेट एक्सपोर्ट्स। अब उससे क्या होगा कि नेट एक्सपोर्ट्स जो हैं आपके जैसे इंक्रीज करती हैं, उस पर आप स्पेंडिंग ज़्यादा कर देते हैं, तो लार्जर क्वान्टिटी जो है वो जैसे ही वहाँ पर जो है वो प्राइस वहाँ की डिक्रीज की नेट एक्सपोर्ट्स के ऊपर, तो आपने क्या किया उनकी डिमांड को इंक्रीज कर दिया, जिससे उनका कर्व जो है वो नेगेटिव स्लोप हो जाएगा। अब जैसा कि द डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व शोज द फॉल इन द प्राइस लेवल rises the overall quantity of goods and services demanded. Many other factors, however, affect the quantity of goods and services demanded at any given price level. When one of these other factor changes, the aggregate demand curve shifts. अब उसने बात किया प्राइस के अलावा, अगर यहाँ पर इस एग्रीगेट डिमांड कर्व में प्राइस के अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं अगर, तो उनकी ये पॉइंट बेटे आपने लाजमी इसको अच्छे से देखना है। अगर प्राइस के अलावा अगर आपकी जो है वो डिमांड में चेंज आता है एग्रीगेट डिमांड में, तो वो आपका सेम कर्व के ऊपर नहीं रहेगा, बल्कि आपका कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। ये बिल्कुल बात जो है वो आपने जहन में रखनी है, यानी आपकी जब जो डिमांड जो है प्राइस की वजह से अगर डिमांड में आपका जो है वो चेंज आ रहा है तो आप सेम कर्व के ऊपर रहेंगे, लेकिन जब आपका जो है वो विद अदर फैक्टर्स जो हैं अदर देन प्राइस के बारे में जब हम बात करेंगे तो हमारा डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। अब हमारे जो हैं फॉर एग्जांपल शिफ्ट राइजिंग फ्रॉम कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट परचेजेस नेट एक्सपोर्ट्स, ये चीज़ें आ गई। उसके बाद बेटे शिफ्ट इन द एग्रीगेट डिमांड कर्व, शिफ्ट का मतलब क्या है, एक ही प्राइस लेवल पर रहते हुए देखें आपका पूरे का पूरा डिमांड कर्व जो है वो राइट साइड पर शिफ्ट हो जाता है, इसको हम जो है वो डिमांड का क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड कर्व का शिफ्ट करना कहते हैं। अब बेसिकली डिमांड जो है वो हम इसको ये देखेंगे, सबसे पहले अभी हमने एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ा कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो नेगेटिव स्लोप होकर इसका रिलेशनशिप जो है प्राइस लेवल के साथ होता है, और हमने इसमें जो है वो तीन जो है वो पढ़े, सी प्लस आई प्लस जी और आपका जो है वो नेट एक्सपोर्ट्स पढ़े। पहला जो था वो हमने वेल्थ इफेक्ट पढ़ा, सेकंड हमने इंटरेस्ट रेट इफेक्ट पढ़ा। वेल्थ इफेक्ट की वजह से भी आपका डिमांड कब नेगेटिव होगा, आपका इंटरेस्ट रेट इफेक्ट पढ़ा, थर्ड हमने एक्सचेंज रेट इफेक्ट पढ़ा।
तो ये जो हमारे तीनों फैक्ट्स है इसकी वजह से हमारा जो है वो डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिव होगा। तो उसके बाद और अगर अदर देन प्राइस आपका जो है वो डिमांड कर्व में अदर देन प्राइस आपका जो चेंज आता है तो आपकी डिमांड इंक्रीज अगर करती है तो वो आपका जो है वो कर्व पूरे का पूरा शिफ्ट कर जाएगा। तो ये आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व के बारे में, इट्स ऑल अबाउट द एग्रीगेट डिमांड कर्व। एंड नाउ वी विल डिस्कस द एग्रीगेट सप्लाई कर्व। थैंक यू सो मच।